एक तो पिछले टायर में हवा कम करें और फिर आप अपना जोर हैंडल पे ना दे बल्कि पीछे दे और हैंडल को चलाए रखें। लेकिन यहाँ से जो रोड है ये बिल्कुल 30-35 किलोमीटर रेत वाला रास्ता है जहाँ पर हम सिर्फ अपनी नर्व को आजमाने के लिए जाते हैं और गाड़ी की ऐसी की तैसी फेरते हैं। क्लच ब्रेक प्रेस ब्रेक जवाब जो नदी के अंदर है जो बुरबुरी नदी है ना बट्टी उसमें से निकालते हैं। शशि पन्नू का मजार हाँ इस तरफ और जो हम हब सिटी हमने अंदर से जानबूझ के अच्छे हब सिटी आपने देखा होगा जो शहर में से गुजारा होगा ये हब सिटी है और उनका पुल टूटा है 3-4 साल हो गए अभी तक बना नहीं है। 20 किलोमीटर पक्का है इसके बाद 20 किलोमीटर कच्चा वो बस शशि पन्नू का एक बाजार है लोग जाते हैं और उस बाजार से भी हम विंदर जाते हैं कच्चा और ये रोड पक्का रोड है समझ लिया। गवादर भी यहाँ से 600 किलोमीटर है और क्वेटा भी 600 किलोमीटर और तकरीबन यहाँ से अभी आ जाएगा हमारा इंशाल्लाह अल्लाह करे 70 किलोमीटर पे जीरो पॉइंट है यहाँ से। अब जीरो पॉइंट से रोड और सीधा निकल के तो क्वेटा और उल्टे हाथ पे टर्न करके समंदर की तरफ तो गवादर। इस रोड से सीधे हाथ में 3-4 मजीद रोड है नहीं एक बात करो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और सारे मैक्सिमम काफ़ी ऑफ रोडिंग होते हैं तो कभी आप देखने आए मैं समझता हूँ कि इस रोड पे अगर आए ये जो रोड यहाँ से हब सिटी से सीधे आके निकल रहा है रोड ये आगे जाएगा तो इसी रोड पे आपको हाफ डैम नज़र आएगा शशि पन्नू नज़र आएगा इसी रोड पे गुरुजी का इलाका नज़र आएगा इसी रोड पे आपको शाह नूरानी नज़र आएगा वहीं से अगर सीधे आप टर्न करेंगे तो खीरतर की पहाड़ी रेंज नज़र आएगी जिसमें टिक्को बरान दुरेजी के बाद टिक्को बरान है खीरतर का पहाड़ है आईबैक्स जो सिंध का आईबैक्स है वो भी इन्हीं पहाड़ों पे फिर उसको अगर क्रॉस करके बैक साइड पे ऑफ रोडिंग करके जाते हैं तो ये दादू को भी वो टच करता है इलाका। ये जो जरार शाह का जो मज़ार है दरमियान में मज़ार जरार शाह भी है ये जो ऑफ रोडिंग है ना ये फिर समझ लो जैसे नदी सूख जाती है उसके अंदर रेत होती है उस रेत वाली ये ऑफ रोडिंग वाली जिसमें 10-15 किलोमीटर ऑफ रोडिंग रेत वाली है और फिर 5-6 किलोमीटर पक्की ऑफ रोडिंग है मतलब वो फिर उसमें तो हम 70-80 100 में जाते हैं और फिर ये इलाका गर्म है। एक तो पिछले टायर में हवा कम करें और फिर आप अपना जोर हैंडल पे ना दें बल्कि पीछे दें और हैंडल को चलाए रखें स्टिफ ना करें जब आप स्टिफ करते हैं ना तो फंस जाते हैं आप यूँ करेंगे तो शाम की तरह रास्ता शाम ही जाता है वो रास्ता बनाता जाता है वो इसी तरह आप निकल जाएंगे ना पीछे और पीछे अपना जो बैग है थोड़ा पीछे करके यूँ चलाएं हवा कम करने से मसला ही होता है चौड़ा हो जाएगा तो फिर उसकी ग्रिप और अच्छी और जब आप आगे वजन देते हैं यूँ करके जो अक्सर वाले हैं तो आगे से वो टायर पतला है अगला टेक्निकली पतला टायर है तो वो अंदर धंस जाता है। इससे आगे जो अगर हमारा अगला स्टॉप है हमारा विंदर है विंदर से सीधे हाथ में निकलो तो 4-6 खूबसूरत अब वो ये सब दरियाई पॉइंट है ये हब रिवर आया था जो हम जो क्रॉस किए हैब रिवर है ये भी 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है। अच्छा ये आगे विंदर रिवर है वो भी 100-150 किलोमीटर दूर से ही अब हम जैसे ही हमने पुल क्रॉस करके इधर आए ना पुल से तो हम बलूचिस्तान सिंध वाला हब में आता है पानी नहीं नहीं ये पहाड़ों के अंदर से चश्मों से मिला मुलू के आता है और हब रिवर के ऊपर ये उन्होंने हब डैम बनाया आगे रिवर है विंदर रिवर है उससे आगे खरड़ी का रिवर है उथल में तो हर एक मतलब विंदर का सिटी है ना उससे सीधे हाथ में निकलोगे 150-200 किलोमीटर का रोड है और वो रोड टच करता है आपको सीधा शहदाद कोर्ट की तरफ जाता है लेकिन आगे रास्ता बंद है रास्ता टच नहीं पहाड़ है।